हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं कर्ड राइस, जिसके लिए हमें चाहिए 1¼ कप राइस, विच आई हैव ऑलरेडी बॉयल्ड, मैंने बना के रखा है। 1¼ कप कर्ड, हाफ लार्ज साइज अनियन, या आप 1 मीडियम साइज भी ले सकते हैं। सम ग्रेप्स, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एज पर टेस्ट, स्वाद अनुसार। थोड़ी राई दाना यानी मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, चना दाल यानी बंगाल ग्राम। तो अभी हम देखते हैं इसको बनाना कैसे है। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल डाल के अपना पैन हीट कर लिया है, इट्स रेडी टू मेक। अभी हम इसमें डालते हैं हमारा राई दाना जाएगा। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे हमारे बंगाल ग्राम यानी चना दाल। हमें स्टोव को मीडियम फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई ना करें वरना ये चना दाल जल जाएगा। एंसी, मेरा चना दाल रोस्ट हो चुका है। अभी हम इसमें नेक्स्ट डालेंगे हमारे अनियन। ऑनियन के बाद इसमें नेक्स्ट जाएगा ग्रीन चिलीज। हम अनियन के ऊपर डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट अनियन को नरम कर देगा और जल्दी बन जाएगा। हमें यहाँ पे ऑनियन को सिर्फ नरम करना है, ब्राउन नहीं करना। 2-3 मिनट्स ऑनियन को स्टर करने के बाद यह नरम हो चुका है। अभी इसमें जाएगा हमारा चावल यानी राइस। डालने के बाद आप अपना फ्लेम लो पे कर लें। राइस के बाद जाएगा जो कि था हमारा कर्ड। अब आप इन दोनों को अच्छे से मिला लें। इनको अच्छे से मिक्स कर, अगर आपकी चावल 1 कप हो तो आप कर्ड भी 1 कप लें, अगर आपके चावल 1½ कप हो तो कर्ड भी 1½ कप लें। अभी इसमें ऊपर से डालेंगे हमारी कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ द फ्लेम। और हम ऊपर से डालेंगे हमारे ग्रेप्स। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें चाहो तो पोमोग्रेनेट सीड्स भी डाल सकते हैं, अनारदाना। मैंने आज सोचा कि मैं ग्रेप्स डालती हूँ। और हमारा कर्ड राइस तैयार है, इट्स रेडी टू सर्व। यहाँ पे हमारा कर्ड राइस तैयार है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसे बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।